क्या आप इन मुफस्सरीन की वो सारी बातें मानते हैं पादरी साहब कहने लगे नहीं मैं उनकी ये बातें नहीं मानता हजरत के रानवी ने, ने फरमाया फिर हम तुम्हारे पादरियों की वो बातें क्यों मान लें समझ में आई ये बात अच्छा मौलाना रहमत ने फरमाया असल बात यह है कि हमने तुम्हारे बड़ों के जो कौल नकल किए हैं वह बतौर इल्जाम नकल किए हैं हमारे लिए वो नहीं हो तुम तो उनको मानते हो हमने तो तुम्हारे सामने बतौर इल्जाम उनकी बात नकल की है असल में याद रखिएगा दो दायरे होते हैं अगर बात को आप समझें तो एक दायरा होता है दारुल इफ्ता का ये वो मरकज होता है जहां से फतवा निकलता है और एक होता है मुनाजरीन का दायरा याद रखिएगा मुनाजिर भी किसी बात का जवाब देंगे और मुफ्ती भी किसी बात का जवाब देंगे याद रखिएगा लेकिन ओलमा फरमाते हैं आम तौर पर आम तौर पर मुनाजरीन का जवाब होता है इल्जामी तौर पर आम तौर पर आम तौर पर मुनाजरीन का जवाब होता है इल्जामी तौर पर और मुफ्तिया ने दीन का जवाब होता है तहकी तौर पर हाँ इल्जामी जवाब जो होता है ना असल में पता उसका मकसद क्या होता है अगले का मुंह बंद कर देना इल्जामी जवाब जो होता है ना असल में पता है उसका मकसद क्या होता है अगले का मुंह बंद कर देना क्यों अगर आप मुझे कोई इल्जाम देते हैं ना अगर आप मुझे कोई इल्जाम देते हैं ठीक है तो मैं आपको इल्जामी जवाब दूंगा किस लिए ताकि आपका मुंह बंद हो जाए ठीक है नहीं समझ में आ रही बात नहीं समझ में आ रही